वेलकम है आप लोगों का नए ब्लॉग में। और हम लोग अभी एरंडोल से पद्मालय जा रहे हैं, जहाँ पर भीम और बकासुर का युद्ध हुआ था। ये बताते 5000 ईयर ओल्ड फाइट। तो वहाँ पर कुछ निशान है जिसे बोलते हैं भीम कुंड, तो वही हम लोग आप लोगों को दिखाने जाएंगे। तो अभी हम लोग जाते हैं भीम कुंड देखने के लिए, जो कि पद्मालय में, तो एरंडोल से लगभग 9 किलोमीटर दूर है और हम लोग जिस जगह से जा रहे हैं वहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। तो चलते मिलते हैं फिर वही। तो दोस्तों हम लोग निकल पड़े पद्मालय जाने के लिए, और चलने के बाद आप लोगों को अपना पूरा व्यू दिखाएंगे। तो दोस्तों आ चुके हम लोग पद्मालय, और गाड़ी यहाँ पर पार्क होती है। गाड़ी पार्क करने के बाद अंदर एक मार्केट है, शॉप, जो कि सीधा मंदिर से कनेक्ट होता है। और मंदिर देखने के बाद हम लोग जाएंगे भीमकुंड, जो कि यहाँ का बहुत फेमस जगह है। तो चलते हम लोग मंदिर देखते और फिर चले गए भीमकुंड की तरफ। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और इसके बाद भीमकुंड आता है, जहां पर अभी हम लोग जाएंगे। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, इसमें 5000 साल पुरानी गणेश की मूर्ति प्रतिमा है, जो कि देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। और अभी हम लोग जाएंगे भीमकुंड, तो देखते रहिए वीडियो। ये इस मंदिर के पास का एक तालाब है, और इसमें काफ़ी कमल के फूल उगे हुए हैं, कमल पुष्प जिन्हें कहा जाता है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। काफी मजा आ रहा है हरियाली को देख के, चारों ओर हरियाली। मौसम भी काफी अच्छा है, बारिश वाला मौसम। तो दोस्तों अभी बारिश शुरू हो गई है और हम लोग जा रहे हैं भीमकुंड। जैसा कि आपने देखा पद्मालय का जो मंदिर था वो
रास्ता कि हम लोग आ चुके हैं भीमकुंड और ये है पद्मालय में बना हुआ है। यहाँ पर बताते हैं कि कुछ युद्ध हुआ था तो तभी यहाँ पर भीम का पैर लगा था और ये उससे निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर है भीमकुंड और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसी के सामने है भीमकुंड। ये 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, ये भीमकुंड है। ये भीमकुंड में पैर का निशान है जो अभी आप लोग देख रहे हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा भीमकुंड, इसमें काफ़ी लोग नहा रहे थे, इसके लिए ज़्यादा वीडियो लेना ठीक नहीं था। तो आप लोगों ने वैसे तो देख ही लिया होगा, भीमकुंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगता है कि यहाँ पर ऐसा किसी का पैर लगा हुआ होगा। कभी परफेक्ट पैर का निशान बना हुआ है। यहाँ पर आके आप लोग देख सकते हो, निसर्ग की सुंदरता बहुत अच्छी है, हरियाली बहुत अच्छी है और हरियाली अपना फेवरेट भी है। दोस्तों, वीडियो की एंडिंग होती है और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब